नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। अंधविश्वास एक तर्कहीन विश्वास है जिसका आधार किसी की मनगढ़ंत व्याख्या हो सकती है। भारत तो अंधविश्वासों के लिए दुनिया भर में बदनाम है। यहाँ लोग बिल्ली को देखकर रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब एक पढ़ा लिखा और नौजवान नेता न सिर्फ अंधविश्वास को माने बल्कि उसे सही भी ठहराए। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने नोएडा में कदम नहीं रखा, इसकी वजह थी कुर्सी जाने का डर। दिलचस्प बात यह है कि इसी कुर्सी की लालसा अखिलेश यादव को नोएडा खींच लाई, लेकिन उन्होंने नोएडा की जमीन पर कदम नहीं रखा। तीन जनवरी 2021 रात के करीब 11 बजे दादरी टोल प्लाजा ग्रेटर नोएडा। सिकंदराबाद से अखिलेश यादव का रथ जैसे ही दादरी के लुहाली टोल प्लाजा पर पहुंचता है, घंटों से अपने नेता का इंतजार करते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ अखिलेश यादव का स्वागत करते हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से आसमान तक जमकर आतिशबाजी भी करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ। मेरठ के रहने वाले हो, नोएडा में खड़े हो, क्यों? अखिलेश जी को देखना है जी। अखिलेश जी को देखने के लिए मेरठ से यहाँ आए? हाँ जी। मेरठ में नहीं मिले वो? नहीं। और कौन कौन आया? हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। जिंदाबाद। अंदर आ रहे हैं तो इसलिए कार्यकर्ता में बहुत जोश है, बहुत उमंग है। देख लो आप, बारिश हो रही है, उसके बाद भी भीड़ का अंबार है, जलसैलाब है। बारिश और देर रात होने के बावजूद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अखिलेश का इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि पूरे 11 साल बाद वो नोएडा पहुंचे थे। अखिलेश भी समर्थकों को निराश नहीं करते और वो अपने रथ की खिड़की खोल देते हैं। सैकड़ों समर्थक उन्हें तोहफे देने लगते हैं। गिफ्ट में उन्हें गदा, अंबेडकर जैसे महापुरुषों की तस्वीरें भेंट की जाती हैं। अखिलेश कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाकर खिड़की बंद कर देते हैं। लेकिन दावा है कि 11 साल बाद गौतम बुद्ध नगर आने वाले अखिलेश यादव नोएडा की जमीन पर पैर नहीं रखते। सवाल है क्यों? ये देखिए, अखिलेश को आप अपने रथ के अंदर देख सकते हैं, जहां बैठे बैठे वो अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। इस दौरान आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी हैं। अखिलेश के चुनाव प्रचार में आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ती हैं। रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव आधी रात में रथ यात्रा निकालते हैं। समर्थकों का जोश हाई करने के लिए जयंत के साथ अपनी बस की छत पर आ जाते हैं। समर्थकों से मिली सम्राट मेहर भोज की तस्वीर को दिखाते हैं, कुछ देर बाद दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन नोएडा की जमीन पर कदम नहीं रखते। अखिलेश यादव इससे पहले आखिरी बार साल 2011 में नोएडा आए थे, लेकिन 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से आज तक नोएडा का रुख नहीं किया था। अखिलेश आखिर क्यों नोएडा नहीं आते, इस बारे में उन्होंने आज तक के मंच पर बताया। बताइए, नोएडा क्यों नहीं आए? नोएडा इसलिए नहीं, वो माना जाता है जो चला जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हुआ है, इस बार दोबारा नहीं बनेंगे। पर कहां सरकार तो गिरी नहीं उनकी, आप लोग तो डरते थे सरकार गिर जाती। हम कुछ चीजें माने, ऐसे अंधविश्वास। हाँ ठीक है, तो धर्म भी कभी कभी अंधविश्वास होता है। तो अखिलेश अंधविश्वास के चलते नोएडा नहीं आते क्योंकि माना जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री यहां आता है उसकी कुर्सी चली जाती है, इसीलिए अखिलेश 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी नोएडा नहीं आए। इस अंधविश्वास और भरोसे के चलते ही अखिलेश ने अपनी सरकार जाने के बाद भी नोएडा से दूरी बनाए रखी, जबकि साल 2012 से 2022 के बीच तीन अहम चुनाव हुए, लेकिन इन तीनों चुनावों में न तो अखिलेश की सरकार बची और न ही 2019 में वो कोई कमाल दिखा पाए, लेकिन अखिलेश के अंधविश्वास को बीजेपी ने हथियार बना लिया। जो लोग जो सत्ता खोने के अंधविश्वास के कारण नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से भी कतराते हैं, क्या वो
युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं? यूपी को ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी विरासत पर गर्व करे और ज्ञान विज्ञान और आधुनिकता को बढ़ाए। ये काम भाजपा ही कर रही है और भाजपा ही कर सकती है। योगी आदित्यनाथ से पहले नोएडा से जुड़ा मिथक ही रहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री वहां पर जाता है तो उसकी कुर्सी चली जाती है। इसी मिथक के चलते अखिलेश यादव ने लगातार नोएडा से दूरी बनाए रखी। दरअसल इस अंधविश्वास की रीत साल 1988 में पड़ी, जब वीर बहादुर सिंह नोएडा का दौरा किया और कुछ दिन बाद उनकी सीएम की कुर्सी चली गई। 1990 में एनडी तिवारी ने दौरा किया और वो भी अपनी कुर्सी गवा बैठे। 1995 में मुलायम सिंह यादव, 1997 में मायावती और 1999 में कल्याण सिंह की सरकार नोएडा दौरे के बाद चली गई। 2011 में भी मायावती नोएडा आई थी और 2012 में वो सत्ता से बाहर हो गई। इसी वजह से अखिलेश ने नोएडा आने से तौबा कर ली। सीएम रहते हुए वो 5 साल नोएडा नहीं आए, फिर भी 2017 में उनकी सरकार चली गई। लेकिन अखिलेश का भरोसा नहीं टूटा, इसलिए जब मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए योगी नोएडा आए तो अखिलेश की बात खिल गई। हमें तो नहीं बुलाया गया नोएडा की मेट्रो के उद्घाटन के लिए, हमें नहीं बुलाया गया तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी भी बटन नहीं दबा पाए ना झंडा दिखा पाए। हमने तस्वीरों में ये बात देखी, हम ना दिखा पाए हो झंडा, हम ना दबा पाए हो बटन, लेकिन मुख्यमंत्री को भी हम तो यही मानेंगे नोएडा जाने में यही होता है। और अभी नोएडा का तो असर दिखना है, नोएडा जाने के बाद असर दिखाई देता है, और ये तो अच्छा हुआ हमारे लिए कि दोनों लोग नोएडा पहुंच गए। 23 दिसंबर 2017 को योगी आदित्यनाथ नोएडा आए थे। इस दौरान उन्होंने बिल्डर और बायर से मुलाकात की। इसके बाद वो मेट्रो के उद्घाटन में भी शामिल रहे। इसी सभा में पीएम ने पहली बार अखिलेश को नोएडा के बहाने अंधविश्वासी करार दिया। आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती है, आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता। अखिलेश यादव 2012 से 2017 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार भी नोएडा नहीं आए, वहीं योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल में 20 से ज्यादा बार नोएडा आए। इस दौरान बीजेपी ने 2012 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश से जुड़ा हर चुनाव जीता और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करके रिकॉर्ड बनाया। वहीं अखिलेश का टोटका उनके लिए काम नहीं आया, लेकिन सवाल ये है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश ने 2022 के चुनावी तपिश में नोएडा आना मंजूर किया? इसका जवाब खुद अखिलेश ने दिया। अंधविश्वास ये है, धारणा ये है, लेकिन धारणा हमेशा तोड़ी गई है। लेकिन एक धारणा ये भी है कि जो नोएडा जाता है उसकी भी सरकार बनती है। मैं 2011 में अपनी साइकिल की यात्रा हुई से शुरू की थी और सरकार बनाई थी। इस बार भी मैं नोएडा में इसीलिए जा रहा हूँ कि आने वाले समय में सरकार बनानी। तो अखिलेश यादव सियासी गुडलक पाने के लिए नोएडा आए, लेकिन अंधविश्वास के चलते नोएडा की जमीन पर पैर रखने की हिम्मत न कर सके। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी तक सिर्फ बयानों के बम फूट रहे थे, गर्मी मिटाने और तमंचावादियों की बात हो रही थी, लेकिन कल शाम हकीकत में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चली और उसकी गूंज आज संसद में सुनाई दी। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। AIMIM चीफ ओवैसी पर गोली चली तो उसकी गूंज संसद में भी सुनी गई। संसद में खड़े होकर ओवैसी ने अपने ऊपर हमले को मुद्दा बनाया और सरकार से मिली जेड सिक्योरिटी को लेने से इनकार कर दिया। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूँ,
हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया, जब मेरी आंख बने एक बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन में दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे, मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। ओवैसी पर हुए हमले पर अब गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को संसद में बयान देंगे, देश को बताएंगे कि आखिर गुरुवार को मेरठ से चुनाव प्रचार करके लौट रहे ओवैसी के काफिले पर गोलियां कैसे बरसी। दो लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मेरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। पहले चरण के मतदान से ठीक 7 दिन पहले हमलावरों ने ओवैसी के काफिले पर गोलियां चलाई, 2 हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया जिसमें 1 नोएडा का सचिन और दूसरा सहारनपुर का शुभम है। ओवैसी गुरुवार शाम मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र से एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे। हापुड़ के पिलखुआ एरिया में नेशनल हाईवे पर छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान 2 युवकों ने ओवैसी के काफिले पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। इसमें 2 गोली ओवैसी की गाड़ी के निचले हिस्से पर लगी, इससे उनकी कार में छेद हो गया। इसी के बाद सरकार की तरफ से उन्हें जेड श्रेणी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले, मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है, मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और उत्तर प्रदेश, मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मन पोलिंग होगी इंशाल्लाह, उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी। ओवैसी पर हमले के बाद से हैदराबाद में उनके समर्थक गुस्से में हैं। ये देखिए कैसे जुमे की नमाज के बाद ओवैसी के समर्थकों का हुजूम हैदराबाद की 4 मीनार पर हमले का विरोध करने पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में हमले के विरोध में 4 मीनार पर असदुद्दीन के समर्थकों ने एक छोटा सा प्रोटेस्ट आयोजित किया है। यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद, जो शुक्रवार की नमाज होती है, उसके बाद यहाँ पर कुछ समर्थकों ने नारेबाजी की है, और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की, जो हैदराबाद के सांसद भी हैं, उनकी सलामती की दुआएं भी की हैं। पुलिस ने यहाँ पर हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जवान तैनात हैं, उसके अलावा हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स के और ग्रेहाउंड के जवानों को भी तैनात किया गया है, कुछ जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सचिन और शुभम ओवैसी भाइयों के भड़काऊ भाषणों की वजह से गुस्से में है। सचिन की सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरें ये बताती हैं कि वो कट्टर सोच वाला व्यक्ति है और ओवैसी से काफी नाराज था। अभी तक की पूछताछ के हिसाब से ये जो लड़के हैं, ये सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है उससे आहत थे, तथा इसी कारण से ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। सांसद जी के प्रतिनिधि के कहने पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आपकी स्पीचेस को लेकर के जिस दिन से आप बोलते हैं, कहते हैं उनसे वो ज्यादा उनको, आज देखिए हम क्या बैंड बाजा की पार्टी है, हम क्या कोई ग्लोकार हैं, हम क्या कोई म्यूजिक लगाकर नाचेंगे? आपको हमारी बात पसंद नहीं आती, अगर गैर कानूनी है, गैर संविधानी है, कंप्लेन करिए, क्या आप गोली चलाएंगे? ओवैसी एक सांसद है, इस नाते उन्होंने इस हमले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी दी, लेकिन इस हमले के बाद एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। बीजेपी सरकार ने इस हमले की गंभीरता को समझते हुए ओवैसी को जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा दी और घटना की जाँच का भरोसा दिलाया। वही समाजवादी पार्टी की सोच उनसे अलग है, उनके मुताबिक ये हमला राजनीति से प्रेरित हो सकता है। किसी को अगर हमला करना होता, मारना होता,
तो गोली कम से कम शीशे के भीतर जाती, दरवाजे के निचले हिस्से पर नहीं लगती। नहीं, वो कुछ भी जाने, जिसका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं होता वही इस प्रकार के घटनाक्रमों का सहारा लेता है। हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके पास, किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। इस हमले के पीछे हो रही राजनीति की वजह हिंदू सेना की एंट्री भी है। हिंदू सेना ने हमला करने वाले दोनों युवकों को सम्मानित कर और उनकी तरफ से केस लड़ने की बात कही है। इस बयानबाजी से इस मामले को हिंदू और मुसलमानों के मुद्दे की तरफ मोड़ा गया है। हिंदूवादी कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं उन शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी। ओवैसी लगातार पश्चिमी यूपी में सभा कर रहे थे। गुरुवार दोपहर उन्होंने मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर तीखा हमला बोला, लेकिन यूपी में पहले चरण से एन पहले इस तरह के हमले चुनाव के माहौल को पहले से ज्यादा गर्मा दिया। लखनऊ से संतोष शर्मा, गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पंजाब में कांग्रेस के झगड़े को पार्टी जितना सुलझाने की कोशिश करती है, विवाद उतना ही बढ़ता जाता है। मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक इंटरव्यू में चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू को राजनीति में सक्रिय करने का दावा किया, तो आज तक से बातचीत में सिद्धू ने खुलकर कहा कि चन्नी सिर्फ ट्रेलर चला सकते हैं, पूरी फिल्म नहीं। लोगों का विश्वास कौन जगाएगा? यह विश्वास कौन दवाएगा कि माफिया नूं वाकई मारिया जा सकता है? कांग्रेस नूं दुनिया च कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस खुद नूं हरा सकती। दो दिन बाद कांग्रेस पंजाब में अपने सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने बागी तेवर अपना लिए हैं। वो खुलकर कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ फिल्म का ट्रेलर चला सकते हैं, पूरी फिल्म नहीं। वो तो ट्रेलर चला सकता सी, उन्हें ट्रेलर चलाया। देखो फिल्म किने चलानी है वो हाईकमांड तय करेगा ना। नवजोत सिंह सिद्धू का यह आक्रोश यही नहीं रुका, उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चरणजीत सिंह चन्नी की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा करने का दाव चला। सवाल यह है कि जड़ा पंजाब मॉडल है वो ये नहीं कहता कि स्टेट का खजाना खाली है, भरना किवें? तो कोई माफिया उन्हें नहीं भर सकता, जड़ा माफिया दे विच लिपता नहीं भर सकता। कोई शराब बेचने वाला, कोई रेता चोर, कोई केबल चलाने वाला, ठीक है कि नहीं, और कोई वड्डे माफिए नाल वड्डी पद्धर दे उत्ते यारी पाउण वाला और 75-25 वाला उन्हें सुधार सकेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी की गिरफ्तारी के बाद दिया। चन्नी के भतीजे को ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेत खनन के मामले में गिरफ्तार किया, जिसके बाद सिद्धू खुलकर कहते फिर रहे हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री ईमानदारी होना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी के सवाल पर भी चुप्पी साध ली। अब तो बड़ा अहम सवाल है, लागू कौन करूं, एजेंडा लागू कौन करूं? एजेंडा लागू वही करूं जिदे पल्ले किरदार हो, जिदे ते लोग भरोसा करते हो, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। एक मिनट यार, ये लोग तय करेंगे, लोग बदलाव चाहते। सिद्धू का कहना है कि जनता को ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय करना चाहिए। इस तरह वो इशारों में आलाकमान को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। यहाँ तक कह चुके हैं कि पार्टी हाईकमान एक कमजोर मुख्यमंत्री को पंजाब की कुर्सी पर बैठाना चाहती है, ताकि वो उसे अपनी धुन पर न जा सके। जिथे तक मेरा सवाल है, ये मैं नहीं तय करना मित्रा, ये तय नहीं तय करना, लोग किन ईमानदार मानते हैं। कांग्रेस के लिए पंजाब गले की हड्डी बना हुआ है। पार्टी रविवार को पंजाब अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है। पार्टी के आंतरिक सर्वे में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों चन्नी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसी वजह से सिद्धू अपने बयान और समर्थकों के जरिए सीएम फेस के लिए कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाते दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कमान नहीं मिली तो वो या उनकी पत्नी में से कोई एक सियासत छोड़ देगा। चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने 20 फरवरी को होने वाले पंजाब चुनाव के लिए दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनावी मैदान में उतारा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो पार्टी का सीएम चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि एक सीट पर हारने की स्थिति में
उन्हें दूसरी सीट से बैकअप दिया गया है। लिहाजा अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू चन्नी से मुकाबला हार चुके हैं और यही सिद्धू के भड़कने की सबसे बड़ी वजह है। जे बंदे ने ईमानदार की कदर ना की थी तो किसी ईमानदार ने हिम्मत नहीं करनी फिर अगे आने की। के साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। 44 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव उनकी ओर से प्राप्त किया गया, लेकिन इसके पहले की उनकी राजनीतिक यात्रा बेहद दिलचस्प रही। उत्तराखंड में जन्मे, वहीं पढ़ाई लिखाई की। 22 साल की उम्र में अवैधनाथ के संपर्क में आए और फिर गोरखपुर में वो आ गए। इसी गोरखनाथ मंदिर से राजनीति का ककहरा सीखा। 26 साल की उम्र में कम उम्र के सांसद होने का रिकॉर्ड भी बनाया। साल 1998 का वो वक्त था, लेकिन तब से लेकर आज तक योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 बार गोरखपुर का गौरव बढ़ाते हुए यहां का सांसद बनने का गौरव उनकी ओर से प्राप्त किया गया। धर्म ध्वजा की पताका लहराते हुए तमाम रिकॉर्ड भी उनकी ओर से ध्वस्त किए गए, लेकिन इस बार योगी की अग्नि परीक्षा होनी है। 5 सालों तक सरकार चलाने के बाद 2022 की राजनीति में आगे क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के झंडे को एक बार फिर से उतनी ही मजबूती से बुलंद करेंगे जैसा 2017 में इस पार्टी ने कमाल किया था? इस बार की स्थिति क्या होगी? इस पेशकश में देखिए योगी आदित्यनाथ की अब तक की राजनीतिक यात्रा। गोरखपुर मेरी आत्मा है, गोरखपुर से मेरी पहचान है। गोरखपुर की भावनाओं को सम्मान मिल रहा है। प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्तावित करने का काम, एक नई अग्नि परीक्षा के साथ हम सब उतर रहे हैं। पूरा गोरखपुर डोल रहा है, योगी योगी बोल रहा है, योगी के नाम की गूंज, योगी के नाम का नारा, योगी के नाम पर बिछा हुआ है गोरखपुर। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ और उनके साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी है। ये तीनों बड़े नेता योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए जा रहे हैं। उनके साथ यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, खुद गृह मंत्री यहाँ पर अगवानी करते हुए नजर आ रहे हैं। के चारों ही नेता इस वक्त जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वहीं शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, चारों इस वक्त पहुंच चुके हैं। कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही। गोरखपुर सदर सीट पर बीते 33 साल से बीजेपी का कब्जा है। खुद योगी आदित्यनाथ 1998 से 2017 तक गोरखपुर संसदीय सीट से अपराजेय रहे हैं। इस सीट की एक एक विधानसभा पर योगी की खासी पकड़ है। गोरखपुर से योगी के लड़ने से गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। योगी आदित्यनाथ के नाम की गूंज गोरखपुर सुन रहा है, लेकिन इस गूंज के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उत्तराखंड के पौड़ी का पंचूर गांव,
जहां से एक लड़का गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर अवैधनाथ के संपर्क में आया। 22 साल की उम्र में वो गोरखपुर आते हैं और 4 साल के बाद 26 साल की उम्र में वो यहां के सांसद बन जाते हैं। तब से लेकर आज तक अपने राजनीतिक करियर में योगी आदित्यनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2017 में जब बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी तो उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई और मठ के महंत से लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी यूपी को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गई। सियासत के इस योगी के अपने तेवर हैं, अपने विचारों की धारा है, उसके साथ अपनी आस्था और परंपराओं की विरासत है और अब उसके साथ चलती यूपी की एक सशक्त सियासत है। 22 साल के अजय सिंह बिष्ट के जिंदगी में मंत्र योग 1994 की बसंत पंचमी से शुरू हुआ था, जब अपने उत्तराधिकारी के तौर पर महंत अवैधनाथ ने उनका चुनाव किया था। महंत अवैधनाथ अजय बिष्ट के बगल के गांव के रहने वाले थे और रिश्ते में भी थे। अजय सिंह बिष्ट पौड़ी के पंचूर से यूपी के गोरखपुर आ गए थे। गोरक्षनाथ मठ ही अब उनका सब कुछ था। अजय सिंह का नामकरण आदित्यनाथ के तौर पर हुआ गोरक्षपीठ की परंपरा के मुताबिक, लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है। कुंडल पहनाने के लिए गुरु अपने शिष्य का कान छेदता है। इसके लिए कोई औजार नहीं बल्कि एक नुकीली लकड़ी होती है। इस दौरान शर्त यह होती है कि शिष्य की आंखों से आंसू ना निकले। अजय सिंह बिष्ट योगी बनने की शर्त पर खरे उतरे, एक शिष्य योगी के तौर पर भी और महंत अवैधनाथ की विरासत के लिए भी। यहीं से शुरू हुई अजय बिष्ट की दीक्षा, यहीं से शुरू हुई अजय बिष्ट की योगी बनने की यात्रा। महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को न सिर्फ महंत की उपाधि दी बल्कि अपना उत्तराधिकारी भी बनाया, धार्मिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। योगी बनने की परंपरा में मान्यता तो यही है कि जो फल की इच्छा किए बगैर कर्म करता है, दूसरों के उपकार को अपने जीवन का मकसद बनाता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस परंपरा में सियासत का जिक्र नहीं, मगर गोरखनाथ के जिस मठ में अजय सिंह बिष्ट ने योग की दीक्षा ली, उनकी दीक्षा के पहले से ही सियासत उस मठ की परंपरा का हिस्सा बन चुकी थी। गुरु गोरक्षनाथ मठ की परंपरा में साल 1960 से ही राजनीति का दखल भी शुरू हो गया था। 1962 से 77 के बीच मानीराम की सीट से अवैधनाथ 4 बार विधायक चुने गए, जबकि वो यहां से सांसद भी बने। तब से लेकर आज तक मठ का राजनीति के हर मैदान पर वर्चस्व और दखल जारी रहा। अपने गुरु के आशीर्वाद से ही योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और तब से लेकर अब तक सियासत की सीढ़ियां चलते चले जा रहे हैं। 26 साल की उम्र में सांसद चुने जाने के बाद आदित्यनाथ कभी हारे नहीं, बल्कि एक महंत के रूप में अपनी परंपराओं का परचम लहराते पूर्वांचल की दर्जनों सीटों पर औरों की हार जीत का समीकरण भी योगी आदित्यनाथ साधते रहे। धर्म और राजनीति को लेकर योगी आदित्यनाथ की मान्यताएं कई बार पार्टी लाइन से बेपरवाह हुई तो कई बार उसकी गूंज बगावती सुरों में सुनाई दी। अलग अलग मौकों और मंचों पर योगी के बोल बेबाक रहे, कोई रूठे तो रूठे। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। योगी का अपना तेवर था और वो तेवर कितना धारदार था उसे इस तरह से समझिए कि गोरखपुर सदर की इसी सीट से शिव प्रताप शुक्ला 4 बार विधायक चुने जा चुके थे, मगर 2002 में योगी नहीं चाहते थे कि शिव प्रताप को बीजेपी का टिकट मिले। योगी का सुझाव पार्टी नहीं मानी, तब योगी ने अपने चुनाव संचालक राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा की ओर से चुनाव लड़वा दिया। बीजेपी की हार हुई और योगी का हठ जीता। राधा मोहन पहली बार विधायक बन गए, ये दीगर बात है कि बाद में बीजेपी योगी के सामने झुकी तो राधा मोहन बीजेपी में शामिल हो गए। आज योगी के मंच पर शिव प्रताप शुक्ला मौजूद रहे और उनके शासन की तारीफ कर रहे हैं। चुनौतियों के बीच भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को ये कहा था
कि उत्तर प्रदेश का कोविड मैनेजमेंट सबसे बेहतर मैनेजमेंट है। योगी आदित्यनाथ का प्रबंधन बहुत अच्छा था और हर चुनौतियों का सामना करते हुए एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया। योगी अपना कद लगातार बढ़ा रहे थे। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन बनाया। योगी ने इसे एक सांस्कृतिक संगठन कहा था, जिसका मकसद था गांवों में घूम घूम कर धर्म विरोधी गतिविधियों को रोकना और उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना। लेकिन संगठन के बनने के 4-5 साल में ही ये संगठन विवादों में घिरने लगा। मगर योगी आदित्यनाथ अपने कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर जमे रहे। वो अपनी हिंदू वाहिनी का समर्थन भी करते रहे और उसके साथ अपनी आवाज भी बुलंद करते रहे। अगर कोई जब तोड़ने में कोई बाधा नहीं है तो निर्माण तो एक रचनात्मक अभियान है, उसमें तो सबका सहयोग होना चाहिए। आखिर सोमनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ था ना, तो उसी तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण भी होगा। सियासत ने योगी की हैसियत एक ऐसे कद्दावर नेता के तौर पर बना दी थी जिसकी एक आवाज पर राजनीतिक पासे पलट सकते थे। योगी का बयान ही उनकी सियासत का पहचान होने लगा। योगी की शर्तों के आगे पार्टी को कई बार नरम होना पड़ा। पूर्वांचल की सीटों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव हो या धर्म को लेकर बयान, योगी अपनी रौ में बहते चले गए। भारत के अंदर 1947 से लेकर के आज तक मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ी, 7 से 8 गुना आबादी बढ़ी है, किसी को आपत्ति नहीं। अगर भारत के अंदर रहकर के भारत के नागरिक के रूप में भारत के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, सबका स्वागत है। योगी का जलवा गोरखपुर से निकलकर पूर्वांचल पर छाने लगा था। पूर्वांचल में हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार के तौर पर वो जाने जाने लगे थे, योगी आदित्यनाथ। योगी ने अपने गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही एक अदालत भी लगानी शुरू कर दी थी, जहां कहा जाता है कि 100% न्याय मिलता था। योगी का कट्टर हिंदुत्व वाला चेहरा लगातार उन्हें बड़ा बना रहा था। साल 2006 की बात है, जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान रेलवे स्टेशन पर हिंसा हो गई और उसी दौरान योगी के करीबी एक छात्र नेता की हत्या हो गई। वो उस छात्र नेता की 13वीं में आजमगढ़ जा रहे थे, लेकिन तभी तकिया गांव के पास उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। लेकिन इसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब पूरा पूर्वांचल सन्न रह गया। साल 2007, संसद में फूट कर रोए थे योगी आदित्यनाथ। सिसकते हुए योगी ने बताया था कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उन पर साजिशन अपराध दर्ज किए जा रहे हैं और उनकी जान को भी खतरा है। योगी के उस गुहार में योगी का एक गुमान भी नुमाया था, वो एक विजेता भाव था योगी से एक लोकसभा सांसद बनने का, वो भी लगातार बढ़ती जीत के अंतर के साथ। अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं। तब आंसुओं में तरबतर योगी को देखकर दुनिया हैरान थी और इस बात से अनभिज्ञ भी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा दौर भी देखेगा जिसमें हर्फ हर्फ में योगी ही समाये होंगे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये संत एक दिन यूपी के सत्ता को साधने वाला सबसे बड़ा साधक हो जाएगा। मगर आदित्यनाथ के सियासी योग ने इस सपने को साक्षात कर दिया। 49 साल के योगी आदित्यनाथ का आगे का सफर अब कैसा रहेगा? पहली बार नामांकन के दौरान उनकी ओर से 300 पार का नारा तो बुलंद किया गया, लेकिन क्या जो उम्मीदें वो कर रहे हैं उन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी कमाल का प्रदर्शन करेगी 17 की तरह, या फिर इस बार की परिस्थिति अलग रहेगी? दावे और वादे अपनी जगह, लेकिन पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज आज दिखाई दिए। आगे क्या होगा इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।